हम सभी इंडियन बीटीएस आर्मी मौका ढूंढते रहते हैं कि कब हमें इंडिया में बीटीएस से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिले। कोई भी आर्टिस्ट या फिर कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस जब अपने इंस्टाग्राम पर अपनी किसी स्टोरी में अपने किसी इंटरव्यू में बीटीएस के बारे में बोलते हैं ना, तो वो इंडिया में एक बड़ी सेंसेशन की बात बन जाती है और हर किसी को बड़ा ही अच्छा लगता है अगर उस आर्टिस्ट ने बीटीएस को प्रेस किया होता है या फिर हमें पता चल जाए कि वो भी बीटीएस के फैन है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंटली कई सारे इंडियन बीटीएस आर्मीज को एक बड़ा सरप्राइज मिला जब उन्हें पता चला कि इंडिया में बहुत ही फेमस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस एहसास चन्ना ने भी अपने इंस्टाग्राम पर जंगकुक की स्टोरी डाली थी। और दोस्तों आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि एहसास भी हम सभी की तरह ही बीटीएस जंगकुक की बहुत बड़ी फैन है और इस बात का प्रूफ खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने फैंस को दिया है। लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने जंगकुक की बात नहीं करी थी, इसीलिए उनके फैंस को ये देखकर बड़ा ही एक्साइटिंग लगा। तो कुछ ही दिन पहले एहसास ने ना जंगकुक की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, जहां पर उन्होंने जंगकुक के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स की फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली थी। दोस्तों ये बिलबोर्ड्स थे जंगकुक के न्यू कैल्विन क्लेन प्रोजेक्ट के, जिसको शायद उन्होंने मुंबई या फिर दिल्ली में देखा होगा। वैसे तो इतने बड़े बिलबोर्ड्स इंडिया में बीटीएस के अभी तक बहुत से आर्मीज ने नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन एहसास ने इसे शेयर किया था तो डेफिनेटली उन्होंने इन बोर्ड्स को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ना एक बहुत ही ज्यादा नॉटी सा इमोजी यूज किया था। वो इमोजी ऐसा था ना जिसमें ऐसे एकदम से कोई लजीज खाने को देखकर ऐसे मुंह में पानी आ जाता है ना, उस टाइप का इमोजी उन्होंने जंगकुक की स्टोरी पर यूज किया था, जिसको देखने के बाद इंडियन बीटीएस आर्मीज काफी खुश हो गई और हंसने लगी और बोली कि शायद एहसास को भी ना हम सभी की तरह ये रियलाइज हो रहा है कि जंगकुक कितने ज्यादा चार्मिंग है, उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। हालांकि इससे पहले एहसास ने कभी ओपनली बीटीएस के बारे में बात नहीं करी और ना ही कभी ऐसा कहा था कि वो बीटीएस की फैन है, इसलिए बहुत सी आर्मीज ने जब एकदम से उनकी स्टोरी पर जंगकुक को देखा तो वो एक बार को तो शॉक हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने जब ध्यान से देखा कि नई नई एहसास की ही स्टोरी है तो फिर आर्मीज को बड़ा ही अच्छा लगा और इससे पता चलता है कि वो भी हम सभी की तरह बीटीएस आर्मी है। लेकिन वो पहली एक्ट्रेस नहीं है जो कि इंडिया में बीटीएस आर्मी बनी हो। कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने पहले भी शेयर किया है कि वो बीटीएस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके गाने उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो बीटीएस के फैन हैं। तो आई थिंक कि इंडिया में भी अब काफी सारे लोग बीटीएस आर्मी बन चुके हैं और अब सही मौका है कि बीटीएस फटाफट से इंडिया आए और अपने कॉन्सर्ट्स को करें ताकि उन्हें काफी सारी ऑडियंस मिल सके। तो आर्मीज मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप भी एहसास की स्टोरी को देखने के बाद खुश हुए थे। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।